जंगे सिफीन हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग थी और इसी जंग में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे, जिसकी वजह से आज तक हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को सानिये हैदर कहा जाता है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी के किस्से तो आपको बहुत सी किताबों में मिलेंगे, जिनमें से एक मशहूर किस्सा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और कुरैब के मुकाबले का है, जो कि जंगे सिफीन में ही हुआ था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जंगे सिफीन में होने वाले दो वाक्यात बताऊंगा। पहला, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अली अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर मैदान जंग को रवाना हुए तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उनकी इमदाद कैसे की, और दूसरा वाक्या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और शेशा का मुकाबला है, और ये दोनों वाक्यात जंगे सिफीन में ही हुए थे। ये दोनों वाक्यात तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जंगे सिफीन में एक मरतबा हजरत मोहम्मद हनफिया जंग करने के बाद पलटे, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म जिहाद दिया। हजरत मोहम्मद हनफिया ने अर्ज की, बाबा जान आप मुझे अम्र बजहाद देते हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम को हुक्म जिहाद नहीं होता। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अर्शाद फरमाया, ए बेटे तुम मेरे फर्जंद हो और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम फर्जंदे रसूल हैं, उन्हें हुक्म जिहाद कैसे दिया जाए। ये कलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोशे गुजार हुआ और आपने अपने वालिदे मोहतरम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त चाही। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सैयदुल शोदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इल्तमासो इसरार शुरू किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को इल्म इमामत से मालूम हो गया था कि फर्जंद रसूल को इस जंग में कोई सदमा ना पहुँचेगा, लिहाजा आपने इजाज़त दे दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आजम जंग हुए। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, अल्लाह अल्लाह, हम लोग बैठे रहें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने फातिमा आजम मैदाने जंग हो। गर्ज के सब भाई आ गए और तादवर हम रकाब रहे, मगर मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार हजरत अब्बास नामदार ने देखा कि मेरा आका लड़ने के लिए जा रहा है, दिल बेचैन हो गया। अगरचा आप उस वक्त बहुत कम सन थे, लेकिन दिलेराना हैसियत से इमदाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बरे। असहाब अमीर अल मोमिनीन का बयान है कि निगाह एक बर्क सामने से चमक गई, यानी एक सवार इस तरह एक सिमत से निकला कि ये मालूम ना हो सका कि वो कौन है, और देखा कि दरमियाने सिफोफ लश्कर दर आया। नेजा उस जर्रार के हाथ में था, उसने कमाल गैज से नेजे को हरकत दी और बाज मुखालिफ लश्कर वालों को सामने आते ही नेजे पर उठाकर फेंक दिया, यानी एक के बाद दूसरे को हलाक करता रहा, यहाँ तक कि थोड़ी देर में नवे दुश्मनों को वासले जहन्नम किया। इन शेराना हमलों की वजह से लश्कर में गुल मच गया, लोग कहने लगे कि ये दिलेर कौन है। मालूम हुआ कि ये कमर बनी हाशिम फर्जंदे हैदर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। और इसी जंग में होने वाला दूसरा वाक्या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और इब्ने शशा का मुकाबला है। इब्ने शशा से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जंग। जंगे सिफीन के मौके पर एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम चेहरे पर नकाब डाले हुए मैदान जंग में पहुंचे। आपकी हैबत को देखकर शामी लश्कर वालों ने जुर्रत ना की और शामी लश्कर का हर एक फर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के करीब आने से भी डर रहा था। तो मुआविया ने अपने लश्कर के सबसे बहादुर शख्स को चुना, जिसका नाम इब्ने शशा था, और उसे कहा कि तू इस नौजवान से जंग के लिए जा। उसने कहा कि अहले शाम मुझे 10,000 सवारों के बराबर जानते हैं, इस एक जवान के मुकाबले में मेरा जाना मेरी तोहीन है, मैं तामील हुक्म के लिए अपने फर्जंद को भेजता हूँ। चुनाचे उसने अपने एक फर्जंद को आजम जंग किया। जब वो पहुँचा तो वासले जहन्नम हो गया। फिर उसने अपने दूसरे लड़के को भेजा, वो भी उस नौजवान के हाथों कत्ल हुआ, यहाँ तक कि उसने पे दर पे अपने सातों लड़कों को भेज दिया। वो यके बाद दीगर अपने ठिकाने पहुँचते गए। अब तो इब्ने शशा से ना रहा गया, उसने खुद कदम जुरात बराया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने
शामी लश्कर के सबसे बहादुर इब्ने शशा को भी एक ही वार में वासले जहन्नम कर दिया। फिर किसी ने एकदम जुरात ना किया। लोगों को ये शुबा हुआ कि ये हजरत अली अलैहिस्सलाम इब्ने अभी तालिब हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम जो उस जवान नकाबदार के करीब तशरीफ लाए और उसके चेहरे से नकाब सरकाई, अब लोगों ने देखा ये तो अली अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी शुजात के विरसेदार हजरत अब्बास अलमदार हैं।